नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में डेंगू के केस शून्य तो मलेरिया के कुल 606 केस। जिले में कोरोना के कहर के बाद अब मलेरिया का कहर जारी है। जिले में कुल 606 केस मलेरिया के हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो वहीं जिले में डेंगू के सस्पेक्टेड 72 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें सभी निगेटिव पाए गए हैं। पड़ोसी जिलों में बढ़ रहे डेंगू और मलेरिया के मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य अमला अलर्ट पर है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। तो वहीं लोगों के उपचार के साथ साथ सावधानी बरतने की समझदारी देने में लगा है। मीडिया से चर्चा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा ने बताया कि पड़ोसी जिलों में डेंगू और मलेरिया के केस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हम भी सतर्क है। हमारे द्वारा डेंगू के बालाघाट में सस्पेक्टेड मरीजों के 72 सैंपल टेस्ट किए गए, जो निगेटिव है। वहीं मलेरिया के बालाघाट जिले में कुल 606 मरीज है, जिनका उपचार अभी किया जा रहा है, जिसमें 547 PF मलेरिया के तो वहीं 59 PV मलेरिया के मरीज है। हमारे द्वारा आसपास के जिलों में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। हमारे द्वारा एक बेहद कार्य योजना बना ली है। इसमें आशा कार्यकर्ता को लार्वा सर्वे नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगरपालिका कमिश्नर को भी पत्र लिखा है कि इनके द्वारा भी हमें एक एंटी लार्वा टीम का गठन करके दिया जाए। हमारे द्वारा नगरपालिका के एंटी लार्वा टीम व एंटी मलेरिया टीम का गठन किया जाएगा, जिससे कि वहाँ सभी जगह सर्वे कर सके। वहीं लोगों को समझाने के लिए हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। बालाघाट के बिरसा बैयर लामता से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मलेरिया के केस ज़्यादा पाए जा रहे हैं। वहीं स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि आप लोग घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करें। हमारे द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी मच्छर पनप रहे हैं, कहीं पोखर बन गया है या कहीं पानी एकत्रित हो गया है, तो उसका विनिष्टकरण किया जाए। डेंगू और मलेरिया की स्थिति में सबसे पहले हम डेंगू विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के केस पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हमारे यहाँ बालाघाट जिले में 72 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, 72 सस्पेक्ट देखे गए हैं, जिसमें एक भी डेंगू पॉजिटिव अभी तक हमें नहीं मिला। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। फिर भी हम लोग आसपास के जिलों को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए एक बेहतर कार्य योजना बना ली है, जिसमें जिसके चलते कल हमने एक शहरी आशाओं की ट्रेनिंग की है, जिसमें उन्हें लार्वा सर्वे निरंतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नगर निगम कमिश्नर जो हैं, नगर पालिका कमिश्नर जो हैं, इनको हमने पत्र लिखा है कि इनके द्वारा भी हमें एक एंटी लार्वल टीम का गठन करके दिया जाए। उनके कर्मचारियों के नाम मांगे गए हैं, जिसमें हमारे स्तर से ही एक एंटी लार्वल टीम मलेरिया और नगर पालिका परिषद दोनों के कर्मचारियों को मिलाकर के टीम का गठन किया जाएगा और लगातार यहाँ पर सर्वे निरंतर करवाया जाएगा। तो ये डेंगू की स्थिति है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि एक बहुत अच्छे स्तर पर प्रचार प्रसार भी करवाया जाए। जैसे हम कोशिश करेंगे कि नगर निगम का जो वाहन चलता है, नगर पालिका का जो वाहन चलता है, इस नगर पालिका के वाहन में हम ऑडियो के माध्यम से लोगों को बार बार ये संदेश दें कि किस प्रकार से डेंगू की बीमारी से बचा जा सकता है। पैम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाएगा, जो हेल्थ वर्कर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और हमें ऐसा लगता है कि अगर कहीं पॉजिटिव केस पाए जाते हैं, तो हम इससे बड़े स्तर की IC को भी करना चाहेंगे।